योगी के सामने उन्हें कल्कि अवतार बताने वाला बीजेपी नेता कौन है? बीजेपी नेता का दावा, कलयुग में अत्याचार खत्म करने आए हैं योगी। कब होगा कल्कि अवतार का जन्म या धरती पर है कल्कि अवतार? हजारों साल पहले से कहा जाता रहा है कि एक दिन आएगा जब धरती पर कलयुग में अत्याचार बढ़ जाएगा, तब भगवान विष्णु कलयुग में कल्कि अवतार के रूप में जन्म लेंगे। वो किसी मनुष्य के रूप में धरती पर आएंगे और समाज को सही रास्ता दिखा कर जाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि उसके बाद कलयुग खत्म हो जाएगा और सतयुग काल शुरू हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ के एक्शन के दौरान कई बार ऐसा लगता है कि योगी जैसे 10 नेता भी देश में हो जाएं तो किसी कल्कि अवतार की जरूरत नहीं पड़ेगी। बुलडोजर बाबा की सख्ती के कारण 10 में से 3 अपराधी सरेंडर करता है, 3 को पुलिस पकड़ लेती है, 3 के घर तोड़ दिए जाते हैं और 1 को समाज से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन सवाल उठता है, बीजेपी नेता ने किस आधार पर यह दावा किया कि योगी आदित्यनाथ ही विष्णु के कल्कि अवतार हो सकते हैं? ये तस्वीरें देखिए, योगी आदित्यनाथ मंच पर बैठे हैं, उनके साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी हैं, साथ ही मोदी सरकार में मंत्री कौशल किशोर भी बैठे हैं। लेकिन उसी दौरान मंच पर भाषण दे रहे यूपी में दलितों के नेता डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल ने दावा किया कि भगवान विष्णु जो अवतार लेने वाले थे वो बुलडोजर वाले बाबा के रूप में ले चुके हैं। इस पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हंसते हैं, योगी आदित्यनाथ कोई रिएक्शन नहीं देते हैं, वो किसी पेपर को ध्यान से पढ़ रहे होते हैं। मोदी सरकार में मंत्री कौशल किशोर भी हंस पड़ते हैं, मंच से नीचे बैठी जनता भी हंसने लग जाती है और फिर कई बार जय श्री राम के नारे भी लगाती है। डॉक्टर निर्मल के दावे की सच्चाई आपको बताएं, उसके पहले आप उनका बयान सुन लीजिए। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि लगता है भारतवर्ष में हमारी धर्म परंपरा के अनुरूप जो 44वां अवतार होने वाला था वह बुलडोजर बाबा के रूप में आज जनता देख रही है। आपको पहले यह जानना होगा कि कल्कि अवतार कब होगा। कल्कि अवतार क्या किसी नेता के रूप में होगा या फिर कोई सामान्य व्यक्ति होगा? कलयुग का जो समय चक्र है वो है लगभग 4,32,000 साल, जिसमें से अभी धरती पर कलयुग के 5,000 साल ही हो पाए हैं, यानी अभी 4,27,000 साल का जीवन धरती पर बचा है। अभी ये सही समय नहीं है कि कल्कि का जन्म हो, क्योंकि जिस तरह का अत्याचार है उसके लिए योगी जैसे नेता ही काफी हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आएगा जब भारत में समाज बढ़ जाएगा, रिश्तों की मर्यादा नहीं होगी, मंदिरों से पूजा समाप्त हो जाएगी, समाज में अपराध और अत्याचार इतना बढ़ जाएगा कि इंसान इंसान को खा जाएगा, चारों तरफ अंधेरा छा जाएगा, तब धरती पर प्रकट होंगे भगवान विष्णु, जिन्हें कहा जाएगा कल्कि अवतार। कई जगहों पर पढ़ने पर तथ्य मिलता है कि पुराणों में 24वें अवतार के बारे में बताया गया है। पुराणों के मुताबिक भगवान विष्णु का ये अवतार सावन महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को होगा, इसलिए हर साल इस तिथि पर कल्कि जयंती भी मनाई जाती है। कहा गया है कि यूपी के संभल ग्राम में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर पुत्र के रूप में भगवान कल्कि जन्म लेंगे। हालांकि पुराणों में सिर्फ संभल ग्राम लिखा है, इसलिए राज्य का नाम अभी पूरी तरह से तय नहीं है। भगवान कल्कि की माता का नाम सुमति और 3 भाई सुमंत, प्राज्ञ और कवि, 2 पत्नियां होंगी। यूपी के संभल में यही सब मानते हुए एक मंदिर भी बनाया गया है जिसमें पूजा होती है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म और पाप का बोलबाला होता है, तब तब धर्म की स्थापना के लिए विष्णु भगवान अवतरित होते हैं। फिलहाल योगी को इंसान ही रहने दिया जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि ऐसे इंसान भी धरती पर कम ही जन्म लेते हैं जो समाज को सुधारने का काम करते हैं। योगी नेता हैं और राजनीति करते हैं, आप उनकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन जो पाप खत्म करने के लिए बुलडोजर चला रहे हैं वो एकदम सही है और उसके लिए उन्हें किसी कल्कि अवतार की जरूरत भी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।